सबसे पहले गॉर्जियस मैम की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने एक इनिशिएटिव लिया, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है, तो थोड़ा सा बताइए उस इनिशिएटिव के बारे में। एक्चुअली गॉर्जियस मॉम्स जो है वो एक शो होने वाला था पुणे में, जो थोड़ा किसी वजह से जो है वो शो नहीं हुआ और वो लेडीज़ बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। एंड आई वॉज़ वन ऑफ द जजेस विद सुधा चंद्रन, और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी खलबली मच गई थी और लेडीज़ बहुत परेशान थी। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था अपना टाइम, मनी, बहुत कुछ। तो वहाँ मैंने इनके सुपर मॉम बन करके, शो का नाम सुपर मॉम था, वहाँ पे मैंने शो में सुपर मॉम बन करके जो है वो उनको हाथ पकड़ा और मैंने बोला कि मैं आप लोगों का शो करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हियर आई हैव टेकन 40 मॉम्स और उन सारी मॉम्स को मैं क्राउन पहना रही हूँ एंड आई विल बी क्राउनिंग देम एज गॉर्जियस मॉम्स ऑफ इंडिया। तो किससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मॉम्स में वहाँ पे बहुत सारे पैसे भी भरे थे वहाँ पे, तो उनको लॉस हो गया, लेकिन ये शो के लिए ये शो में हमने कुछ थोड़ी सी न्यू एंट्रीज ली हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं एंड आई हैड टोल्ड देम कि ऐसा ऐसा शो है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, कुछ हमको हमारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमको बहुत हेल्प करी है, तो इस तरह से जो है वो शो हमारा हो रहा है। तो यहाँ की सबसे खास बात यह है कि दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन एंड आई बिलीव कि वुमेन शुड नॉट कॉम्पीट विथ ईच अदर एंड आई पर्सनली बिलीव दैट वुमेन आर गॉर्जस, दे आर बॉर्न गॉर्जस। और ये शो मैंने पूरा मदरहुड को जो है डेडिकेट किया है एंड द प्लस पॉइंट इज कि मेरे शो का 5 साल मिस्टिक इवेंट्स के पूरे हो गए हैं एंड फॉर्चुनेटली आई एम सेलिब्रेटिंग माई 5 ईयर्स ऑफ मिस्टिक इवेंट्स विद गॉर्जस मॉम्स ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 5 साल पूरे हो गए। अगर इस जर्नी के बारे में बात करें, ऊंच नीच सब जर्नीज में आती है, थोड़ा सा बताएं अगर 2 लाइन में कि कैसी रही आपकी ये जर्नी। ये जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी नई लेडीज़ के साथ जुड़ी हूँ और कहीं ना कहीं उनको जो है वो बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आई थिंक दे आर इनकरेज एंड दे आर वेरी मोटिवेटेड, यू नो। और इसमें हम लोगों के जो भी शोज़ होते हैं उसमें यूजुअली हम इंस्पायरिंग मॉडल्स को, एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स को मैं शोकेस करवाती हूँ और दे वॉक फॉर डिज़ाइनर्स आउटफिट्स and they feel like queens, so I think I'm making all the girls, you know, beauty queens. So जहाँ तक drawback का सवाल है तो आपको तो पता ही, औरतें झेलना कोई आसान काम तो है नहीं। अलग आइडिया के साथ आपने गॉडेस मॉम्स ऑफ इंडिया ये इनिशिएटिव लिया है, तो इस बार क्या खास इसमें होने वाला है? इसमें खास ये बात है कि सब 40 जो मॉम्स हमारे साथ में हैं, they have come from all across India. The girls are from Pune, they are from Ahmedabad, they are from Surat, Hyderabad, Delhi. और वो सारी के सारी मॉम्स को हम क्राउन पहना रहे हैं एंड दे विल बी वॉकिंग एज गॉर्जियस मॉम्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने देखा कि आपने मॉम्स को, फिर मिसेस को, मिस को, सबको फेलिसिटेट किया है, तो ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है? और जर्नी के स्टार्टिंग में जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपने सोचा था कि मिस्टेक इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, सीरियसली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और आई थिंक जब शो मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी लेडीज़ जो हैं वो एक टीम बन करके इस शो को बढ़ाती हैं और मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज, यू नो। मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे लोग मेरे साथ इस कॉज में जुड़े, जहाँ पे मुझे लगता है औरतों को कॉम्पीट ना करवा के हम उनके साथ में उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाएं। और आफ्टर मैरिज आई थिंक द वुमेन, यू नो, दे गो थ्रू लॉट ऑफ मूड स्विंग्स आफ्टर बच्चा होने के बाद, यू नो, आफ्टर किड्स दे गो थ्रू लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, दे फील वेरी लो। उनको अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है, उनको प्यार के साथ साथ जो है अगर हम लोग सब मिलके अप्रिशिएट करेंगे तो आई थिंक औरत में एक अलग ही उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा खिल जाती है। दे फील वेरी मोटिवेटेड, दे फील वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग ऑल द गाइज अराउंड, ऑल द लेडीज़, यू नो, कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के सहयोग के साथ, यू नो, वी शुड वॉक टुगेदर इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर, वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ ईच अदर। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टिक इवेंट्स। आपने जितने भी पेजेंट किए, आई वुड से इट्स अ इनिशिएटिव। नो, एक्चुअली आई वुड करेक्ट यू हियर, आई नेवर डू अ पेजेंट, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन लेडीज एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे इंस्पायरिंग मॉडल्स भी मेरे साथ में जुड़ते हैं एंड मिस्टिक बिकम्स लाइक अ फैमिली, यू नो। और इस शो में भी आप देखेंगे कि हमारे जो पुराने साल के भी जो मिस्टिक के मॉडल्स हैं वो सब आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू, यू नो, दे आर हेल्पिंग मी टू सेलिब्रेट दिस इवेंट ऑल टुगेदर। So who inspire you to this? I think I am my own inspiration. Nobody has inspired me ever. This is my thought, you know, whatever I feel, I do it. Mention about the pregnant women. Haan, there is a lady, you know, abhi aurton mein kya hai, kitna josh hai, you know, they all want to showcase their energies, their beauty and everything. Yahan tak ki hamare show mein ek lady aisi hai jo pregnant hai, she is 7 months pregnant and she is walking on the ramp and you will be surprised to see कि वो इतनी बड़ी हील्स में और इतनी कॉन्फिडेंटली शी इज़ वॉकिंग।
देयर इज अ लेडी हु इज अ ग्रैंड मदर ऑल्सो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हैं, ऐसी दो तीन लेडीज ऐसी हैं. तो एज वॉज नेवर अ नंबर फॉर मी. और शो में हमारे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है विद एनी एज एनी साइज, कुछ भी है आपका, यू कैन यू नो मोस्ट वेलकम इन मिस्टिक इवेंट्स. लास्टली यू आर कमिंग टू मुंबई विद योर यस नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू. Now, my next show is on the 7th of December, which I am doing Fit Mom, where I am looking for beautiful fit moms, you know. अच्छा, इसमें भी मेरा एक पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है इसका करने का. फिट मॉम में कि आई बी द मदर्स विल बी इंस्पायरिंग अदर्स मॉम अदर मॉम्स टू कीप देम सेल्फ फिट एंड हेल्दी. आई माई सेल्फ इज़ सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस एंड बहुत मुझे पहले इतने हेल्थ और फिटनेस की इतनी महत्व नहीं था, लेकिन अभी मुझे जो है वो हेल्थ और फिटनेस की तरफ मैं भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही हूँ. एंड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड आई थिंक हेल्दी फूड हैबिट जो है लेडीज़ को यंग भी रखेगा और ब्यूटीफुल भी रखेगा. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यू नो इंस्पायर ईच अदर. सो फिट मॉम जो है कॉन्सेप्ट, उसमें भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें जो है वो सारी मॉम्स एक दूसरे को इंस्पायर करेंगी टू कीप देम सेल्फ फिट एंड हेल्दी. वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशन सेशंस, वी आर गोइंग टू हैव फिटनेस सेशंस उनके साथ हमारे होंगे. सो इट विल बी अ फन इवेंट एक्चुअली एंड नाइस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर. थैंक यू राकेश, थैंक यू सो मच. ओके मैम, आज का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या कुछ होने वाला है और कितने एक्साइटेड है आज की परफॉर्मेंस. वेल, दिस इज मोर over a woman empowerment and encouragement cause. This is like a social cause, we can say, and there is a competition here which is going to be here. So the best part is ki koi competition to hai nahi. So we are crowning all the 40 moms who are there. So every woman is beautiful, so we have to find out the most beautiful among the beautiful. So it's going to be very lovely. I'm excited to see what's going to happen. I don't know much about it because that is also a secret for me. Are you performing here? Most probably, yes. Like a couple of songs, I believe. Let's see. It won't be a show for like 1.5 hours or 2 hours. But yeah, I'll do something for like 5-10 minutes. Would like to have entertain you guys. Thank you so much. You're welcome. Thank you. सबसे पहले तो जुवेरिया नुसरत को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मैं सीख के 5 साल हो गए हैं. और इनफैक्ट ये मेरा पहला साल है कि जहाँ पे मैं एसोसिएटेड हूँ जुवेरिया नुसरत से. इनफैक्ट मुझे नहीं लगा कि क्योंकि मैं पहली बार हूँ, मुझे लगा कि बहुत दिनों से मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टिक गॉर्जियस मॉम्स ऑफ इंडिया मैंने कभी तक कॉन्सेप्ट नहीं सुना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई में इनको बहुत कोई मिल सकते थे, लेकिन मैं स्पेशली दिल्ली से मुझे जब पता चला तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये शो करना है. एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल माई बेस्ट विशेस टू जुवेरिया नुसरत. तो क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे आप दोनों जुड़े, क्या कोलेब्रेशन हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए उस बारे में. कोलेब्रेशन ऐसा हुआ कि एक दिल्ली में इवेंट था मेरा और मैम आई हुई थी एज अ जज. तो इनको लगा कि नहीं, मुझे दिल्ली से बियॉन्ड बाउंड्रीज पे जाना चाहिए, ऑब्वियसली मुंबई. तो दैट्स द रीज़न, वहाँ से हम लोग जुड़ गए. और इनफैक्ट आई एम फॉर्चुनेट कि मैं जुवेरिया नुसरत के साथ जुड़ा हुआ. इनके साथ में ना ही इज ऑल्सो आर जे, वहाँ पे हैं ये दिल्ली में. And I met him, so he said ki main aapka social cause hai, so I would like to be, you know, associated with this show. Okay, thank you. Thank you.